कानपुर में तीसरे चरण में मतदान है, मात्र 4 दिन बचे हैं। ऐसे में आज के दिन कई बड़े दिग्गज नेता कानपुर में जनसभा कर रहे हैं, प्रत्याशी की जीत के लिए जनसभा कर रहे हैं। ऐसे में मैं निकल रहा था RTO के ऑफिस के पास में, काफ़ी भीड़ भाड़ है और चाय की दुकान राजनीति का केंद्र माना जाता है अपने आप में। लोग क्या सोचते हैं इस बार का चुनाव कितना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर आदमी का यही कहना है कि भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन जीत रहा कौन हार रहा है। तो ये तो जनता तय करेगी कौन जीत रहा कौन हार रहा है। तो सीधे पब्लिक से जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि भैया क्या माहौल चल रहा है। चाचा चाय की दुकान कितनी पुरानी है? अरे आप बताओ। चाय की दुकान यहाँ 30 साल पुरानी है। 30 साल जी। तमाम लोग आते होंगे दूर दूर से। हाँ। चुनावी माहौल क्या चल रहा है? चुनावी माहौल तो सही चल रहा है, और क्या बोलते हैं कि भाजपा का कुछ चल रहा है। हाँ भाजपा आने खुश हैं आप लोग? हाँ खुश हैं हम लोग। काम अच्छा हुआ? काम अच्छा हुआ। चलिए अब जा वोट वोट डालने जाएंगे? जाएंगे जरूर, क्यों नहीं जाएंगे। किसको देंगे वोट? भाजपा को देंगे। इधर माहौल क्या चला? चाय की दुकान में बड़ी चर्चाएं होती हैं चुनावी, यहाँ तखत बगल में पड़ा आपके, बहुत चर्चा होती होगी। क्यों नहीं, चर्चा बहुत होती है। क्या कहते हैं लोग कि कौन आ रहा है इस बार? इस बार भाजपा आ रही है। भाजपा की चर्चा हो रही है बहुत? अच्छा, चाय बढ़िया बिक रही है? फर्स्ट क्लास। नहीं मोदी जी चाय किसे पसंद ना किया, ऐसे कह रहे कि वाकई में काम अच्छा हुआ है। मोदी वाली चाय बिक रही है। मोदी चाय काम अच्छा हुआ है? काम बहुत बढ़िया हो रहा है। चलिए भैया यहाँ चाय पीने के लिए भी बहुत ज़्यादा लोग आए हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम गौरव है। युवा इस चुनाव में क्या सोच रहा है? युवा तो इस बार सपा की तरफ ही जा रहा है। सपा की तरफ जा रहा है? हाँ। कारण क्या है उसका? कारण बहुत सारे हैं, बेरोजगारी भी है, देखिए कितना कोरोना में कितना वो हुआ है, काफ़ी सारी समस्याएं ऐसी हुई हैं, तो युवा इस बार सपा के साथ है। इस बार चुनाव में बेरोजगारी एक मुद्दा बनेगा? यानी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे, आप कोई भी ले लीजिए। कौन सी विधानसभा लगती है आपकी? मैं तो वैसे यहाँ डॉक्टर जवाहरलाल रोहतगी में हूँ। ये विधानसभा कौन सी लगती है यहाँ पर? यहाँ पे कल्याणपुर। हाँ हाँ कल्याणी। रहने वाले कहाँ के हैं? मैं इटावा का रहने वाला। इटावा का। वहाँ उधर क्या माहौल चल रहा है? उधर तो सपा खुल के आ रही है। अखिलेश जी का क्षेत्र इस वजह से कि काम की वजह से? नहीं, वहाँ काम भी हुआ है, अखिलेश जी का क्षेत्र भी है, और भी सारे बहुत सारे वहाँ ऐसे है, काम तो है वहाँ पे। क्या नाम भैया आपका? ये अभिषेक है। अभिषेक जी क्या माहौल चल रहा है युवाओं के बीच में? युवाओं के लिए अगर मैं तो ये कहूँगा, जैसा कि भैया ने कहा कि मतलब रोजगार को लेकर सबसे बड़ा एक मुद्दा है ये। अभी क्या है, शिक्षकों की भर्ती चल रही थी यहाँ पे, यहाँ निकाली थी 69,000 में, तो आरक्षण को लेकर के एक बड़ा मुद्दा निकला है कि उन्होंने जो है आरक्षण को मतलब ख़त्म किया और उनको मतलब तो ये मैं कह सकता हूँ कि अभी तक जो सरकार रही तो इन्होंने खैर जो शिक्षकों की भर्ती के लिए जो भी एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन रखी थी कि बीएड वालों को अलाउ किया जाएगा, TET वालों को, BTC वालों को भी, लेकिन इनको अलाउ तो किया गया, लेकिन इन्होंने दूसरी नई वैकेंसी नहीं निकाली और आरक्षण का मतलब जो है एकदम ख़त्म कर दिया OBC SC वालों का। तो मैं ये कह सकूँगा कि एक बार जो अखिलेश सरकार है, खैर इन्होंने भाजपा के पहले तो ये आए लेकिन बीएड वालों को अलाउ नहीं किया, एक प्रकार से उनको मतलब प्रकार से ना अलाउ करके, तो बड़ा ही एक निराशपूर्ण वो रहा। भाजपा आई तो लगा कि नहीं कुछ करेंगे, लेकिन भाजपा ने भी मतलब नई वैकेंसी ना निकाली, आरक्षण को ख़त्म किया। तो मुझे लगता है कि जब इन सब बातों को देख करके सपा सरकार को एक मौका देना चाहिए, तो मुझे और कोई पार्टी मुझे मजबूत नहीं लग रही है, तो मुझे लग रहा है कि सपा सरकार को एक बार और मौका देना चाहिए, जैसे कि ये निष्कर्ष निकल के आए कि क्या कर सकते हैं, तो बस यही लग रहा है मुझको। अखिलेश जी को भेज रहे हैं इस बात पर? अखिलेश यादव जी को मुझको लग रहा है। क्या नाम सर आपका? श्रीकांत प्रसाद। क्या माहौल चल रहा है? अब क्या खाली BJP खाली भौकाल मार रही है, भौकाल पे भौकाल, जितना भौकाल हो सके, लेकिन काम कुछ नहीं। लड़के BEd BTC MA करके घूम रहे हैं, बेरोजगारी है, सबसे बड़ा समस्या ये है। नौकरी नहीं कोई करेगा, लड़के बच्चे पढ़ाए जाते किस लिए? कि अच्छे बने। अगर शिक्षा ही बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, तो इससे काम नहीं चलेगा, अब दूसरी सरकार बनेगी। परिवर्तन होगा। बेरोजगारी मुद्दा सबसे बड़ा बेरोजगारी, BTEC BEd MBA हर एक पिताजी पढ़ाता है कि कुछ काम करे, मेरा बेटा बढ़िया गए, लेकिन वो पढ़ के क्या करेगा? फांसी लगाएगा। नहीं कि बेरोजगारी है, क्योंकि इतना पिताजी उसके पैसा दिए तो टॉर्चर होगा, परेशान होगा। पहले मिलता था पैसा, लैपटॉप और भी कुछ ना कुछ बच्चों को मिलता था, इनके कुछ नहीं, खाली बकचोदी का फार्म, खाली भौकाल है, अब कुछ नहीं है इनके पास। इस बार किसको लखनऊ बना मुख्यमंत्री बना भेज रहे? आपकी यार आएगी, अखिलेश आएंगे बस, और कोई नहीं आएगा। विधानसभा कौन सी लगती है? किदवई नगर विधानसभा। उधर क्या हालात है? वहाँ तो बहुत बढ़िया है,
भाजपा ने काम किया उधर? उधर कुछ नहीं, खाली फार्म भरे रहो, झूठ पे झूठ बोले रहो, बस यही काम है। किदवई नगर में किस क्या माहौल चल रहा है, उधर कौन आ रहा है? वहाँ से किदवई नगर से कांग्रेस निकालेगी, कांग्रेस की सीट निकलेगी। हाँ वहाँ, क्योंकि वो काम करते हैं, अजय कपूर का बहुत काम करते हैं, इसलिए। क्या नाम सर आपका? आदर्श कुमार पांडे नाम है मेरा। और बीजेपी ने जितना विकास किया है, विकास के अलावा कोई कार्य नहीं किया है बीजेपी के। आप किसी भी मुद्दे को ले लीजिए, विकास के अलावा कोई बात ही नहीं है। मैं गोपालनगर क्षेत्र में रहता हूँ, महाराजपुर विधानसभा लगती है, और सतीश महाना जी जिस प्रकार से विकास किया है, पूरे कानपुर नगर का विकास किया है, नहीं किया है बीजेपी के। आप किसी भी मुद्दे को ले लीजिए, विकास के अलावा कोई बात ही नहीं है। मैं गोपालनगर क्षेत्र में रहता हूँ, महाराजपुर विधानसभा लगती है, और सतीश महाना जी जिस प्रकार से विकास किया है, पूरे कानपुर नगर का विकास किया है। ये नहीं कि उन्होंने केवल अपनी विधानसभा का विकास किया हो, सभी क्षेत्रों में उन्होंने पूर्ण रूप से विकास करवाया है। और जब से बीजेपी आई है, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ करके जो करप्ट हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने अच्छी तरीके से समाज को बांट रखा था, जो भेदभावपूर्ण राजनीति करते थे, उनको छोड़ करके बीजेपी किसी को बुरी नहीं लग सकती। बीजेपी ने अपना जो काम किया है, राम मंदिर मुद्दा है, काशी विश्वनाथ है, 370 है, 35 है, जो काम कोई सरकार नहीं कर सकी। राम भक्तों पर गोली चलवाने वाली सरकार आज बीजेपी की बुराई कर रही है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे जो रोजगार है, जिस हिसाब से सृजित हुआ है मोदी जी के आ जाने से, योगी जी के आ जाने से, डबल इंजन की सरकार ने यूपी में जितना विकास करके दिखाया है, इतना कोई अन्य सरकारों ने आज तक तो नहीं किया। कोई नेता होता आप भी है? जी नहीं, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक छात्र नेता रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अच्छा। मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ। बेरोजगारी मुद्दा नहीं बनेगा इस बार? बेरोजगारी मुद्दा है ही नहीं यहाँ पे। अगर आप योग्य हैं तो आपको रोजगार है, और अगर आप योग्य नहीं हो, सोचते हुए बैठे बैठे खाने को मिल जाए, तो कहाँ से मिल जाएगा? टेट से ऊपर टेट वाले वो क्या नाम है, वो पढ़े लिखे नहीं है? टेट से ऊपर पढ़े लिखे हैं, लेकिन पहले की सरकारों में क्या होता था, आपने देखे होंगे टीवी पे ही आपके इंटरव्यू बहुत सारे आते थे कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, बहुत सारे टीचर ऐसे थे जिनको ABCD नहीं आती, वो सरकारी शिक्षक बने हुए थे। लेकिन आज के समय में जो योग्य है उसी को रोजगार है। चलिए, क्या नाम सर आपका? रज्जन शुक्ला। क्या माहौल है? माहौल केवल फ्री का जो है, सच चीज देना बंद कर दे गवर्नमेंट, चाहे वे राशन हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, इससे बेरोजगारी और बढ़ रही है। आदमी घर में बैठ के फ्री में खाना चाहता है, वो नहीं मिलना चाहिए, किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। रोजगार मिले आदमी को वो ठीक है, अब आदमी को 1000 रुपये महीने श्रम रोजगार बनवा लो, मिल जाएगा, आदमी खाएगा बैठ के, उसको देने से क्या फ़ायदा, आदमी को रोजगार दो। बीजेपी तो कह रही राशन दे रहे तो वोट लेंगे। राशन देने से क्या फ़ायदा, राशन 5 किलो आप गेहूँ चावल दे दे रहे, उससे क्या फ़ायदा, नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये क्या मिलना चाहिए फिर? रोजगार मिलना चाहिए केवल आदमी को। कौन सी विधानसभा आपकी है? कल्याणपुर। उधर क्या स्थिति है? सतीश निगम। नीलमा ने काम नहीं किया? बिल्कुल नहीं। परिवर्तन? बिल्कुल। प्रदेश में किसको भेज रहे हैं? प्रदेश में तो अब स्थिति वो आएगी नहीं, खिचड़ी की सरकार आएगी। चले चाचा, योगी जी की आएगी। क्या है माहौल? बहुत बढ़िया है। बढ़िया चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। कौन आ रहा है? आएगा तो मोदी ही आएगा। नहीं, योगी आएंगे? हाँ, योगी जी आएंगे। क्या करते हैं आप? हम जनरल इंश्योरेंस का। क्या रहेगी? चले चाचा, योगी जी की आएंगे। क्या है माहौल? बहुत बढ़िया है। बढ़िया चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। कौन आ रहा है? आएगा तो मोदी ही आएगा। नहीं, योगी आएंगे? हाँ, योगी जी आएंगे। क्या करते हैं आप? हम जनरल इंश्योरेंस काम करते हैं। अच्छा, कौन सी विधानसभा लगती है ये आप जहाँ रहते हैं? ये शायद काका देव लगता है। ये तो कल्याणपुर लगती है? हाँ, कल्याणपुर लगता है। यहाँ की स्थिति क्या है? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है? अंदरूनी जो बात है वो बीजेपी की है, इसमें जो कि सपा सरकार और अन्य सरकारों में बीच में कांग्रेस रही है, या क्या नाम लीजिए, सपा रही है, बसपा रही है, इनमें कोई विशेष किसी व्यक्ति को लाभ नहीं हुआ है। अच्छा, जनता मूलभूत सेवाएं चाहती, जैसे बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, विकास हो गया, तो क्या इन मुद्दों पे सरकार ने 5 सालों में काम किया कि नहीं किया? काम तो किया है, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन सरकारी मशीनरी पर इनका क्या नाम लीजिए, जो भ्रष्टाचार है, बाबू लोग और अधिकारी, ये बंद हुआ है? ये बंद नहीं हुआ है, बढ़ गया है। पहले कितना पड़ता था, ज़्यादा पड़ने लगा है? हाँ, जहाँ 500 लगते थे वहाँ 5000 लेने लगे। तो ये सरकार से अपील है कि इस पर लगाम लगे, इसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए, और विशेषकर परिवहन विभाग के ऊपर। परिवहन की स्थिति क्या चल रही है? बहुत गंदी चल रही है। भर्ती हो रही परिवहन में?
अब ये तो नहीं कह सकते हमको कहाँ क्या निकालते हैं, कहाँ क्या सातवा आठवा लग गया उनका, नहीं इसकी जानकारी एरियर सब पेंशन वेंशन कुछ ये हम नहीं बताएंगे। बसे से मिलने काम आ रहा बसे कहा आप डिपो में है कि किस में? नहीं हम किसी में नहीं, हम अपना जनरल काम करते हैं इंश्योरेंस का। चलिए क्या भैया क्या नाम है आपका? कपिल। क्या नाम आपका? कपिल सोनकर। कहाँ रहते कपिल? करनलगंज। करनलगंज विधानसभा कौन सी लगती है? ये शीशम। क्या स्थिति है उधर? अब स्थिति तो बस बीजेपी की है, वहाँ भी बीजेपी है। दस साल से इरफान है। अरे अब तो चले जाएंगे, कह रहे मुस्लिम वोट पक्का। अरे तो उसमें लड़ भी तो रहे तीन लोग। कौन लड़ रहा है? आप भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है। कांग्रेस भी मुस्लिम, सपा भी मुस्लिम, बीएसपी ब्राह्मण सीट है। हाँ त्रिपाठी जी पंडित दलितों का वोट पाएंगे? बीजेपी ही को जाएगा, बीजेपी जाएगा। योगी जी ने इतना अच्छा काम किया है तो उसको कौन नकार सकता है। क्या है मूलभूत समस्या शीशा मो की, क्या मेन समस्या है? समस्या तो कोई नहीं, सब चीज़ आराम से सब चीज़ हो रहा, सबको गल्ला मिल रहा, सबको सब चीज़ मिल रहा, सबके बैंक के खाते में पैसा आ रहा है, कोई सरकार इतना दे पाती? योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ बराबर मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि ना शौचालय बना है और नाली भी नहीं बनी और सड़कें टूटी पड़ी हैं। ये तो देखो ये तो कांग्रेस को तो चिल्लाना ही चिल्लाना है, क्योंकि उन्होंने कोई वर्क तो किया नहीं अपने शासनकाल में। अब दूसरे के शासनकाल में अगर वर्क हो रहा है तो उनको दिखाई नहीं पड़ता है। आप जाइए कौन सा ऐसा सुलभ शौचालय नहीं बना, कौन सा क्या नहीं बना, किसको अनाज नहीं मिल रहा, किसको क्या नहीं, सबको तो मिल रहा है, और क्या चाहिए? और किसी सरकार ने इतना किया? किसी ने नहीं किया। दो साल उसने आपको अनाज और उससे तो भूखा नहीं रखा। एक लोग कह रहे थे कि अनाज देने नहीं चाहिए। हैं क्यों नहीं देना चाहिए भाई? अगर ये कोरोना पीरियड चल रहा था उसमें अगर सरकार ने इतना बढ़िया काम किया तो क्यों नहीं देना चाहिए? अब की बार प्रदेश में कौन आ रहा है? बस योगी जी आएंगे, बाबा जी अपने। चलिए भैया और थोड़ा सा आम लोगों से बातचीत कर ले भैया, दुकान उकान बैठते हैं। क्या नाम है? रमा शंकर वाजपेयी। हाँ पंडित जी, क्या माहौल है ब्राह्मणों के बीच? बढ़िया है। पंडित पंडित जाएगा बीजेपी में? अब ये कैसे कह सकते हैं कि पंडित बीजेपी में जाएगा? अरे नाराजगी नहीं, दूसरा हर दल साथ रहा, बीएसपी वाले पंडित को खींच रहा है, सपा पंडित खींच रहा है, तो क्या लगता किधर जाएगा? वो तो 70 साल से यही सुन रहे, देख रहे। अच्छा पंडित जहाँ हैं वहीं खड़े हैं, खींच तो सभी रहे थे। बीजेपी जाएगा? कहाँ जाएगा ये मैं कैसे कह सकता हूँ। अच्छा कौन सी विधानसभा लगती है? कल्याणपुर। काम ऊँचा हुआ? काम तो जैसी अपेक्षाएं लोगों को थी वैसा नहीं हुआ, लेकिन जाएंगे बीजेपी में। लेकिन मत तब उनका अधिकार है भाई। बाबा अच्छे लगते? बाबा सबको अच्छे लगते हैं। बाबा ने अच्छा काम, एक बार फिर से रिपीट होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा यहाँ बैठते हैं, बगल में चाय की दुकान है, मसाले साले, काफी बड़ा भीड़ भाड़ रहता है इधर, क्या चर्चा करते हैं लोग? चर्चाएं तो पिछले बार भी बहुत सारी होती रही हैं। हाँ। चर्चा में कोई दम नहीं, दिल में क्या है ये थोड़ी कोई बताता। अभी प्रदेश का विकास दिख रहा, बड़े बड़े अहम फैसले। बिल्कुल बिल्कुल, अहम फैसले बहुत महत्वपूर्ण है। 1000-2000 बेरोजगारी भत्ते थे और 5 किलो अनाज थे, कभी किसी का भला हुआ नहीं। मेन मुद्दा रोजगार का है, रोजगार मिलना चाहिए जो भी नौजवान भाई लोग हैं। हम तो श्रेणी से ऊपर निकल आए हैं, हम तो नहीं कह सकते कि हमें रोजगार चाहिए, हमें तो स्वरोजगार ही चाहिए और वही मैं कर रहा हूँ। तो भैया ये थे रावतपुर RTO ऑफिस के पास में मैं खड़ा था, निकल रहा था, लोगों से बातचीत की। खैर 10 मार्च को तय होगा कि वाकई में कानपुर के कितने प्रत्याशी जीत कराते हैं। कल फिर किसी नई जगह से करें मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।